बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां यूपी के बाराबंकी में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। शराब विक्रेताओं को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार जारी है। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो कई बार ऐसी जो है घटना सामने आ चुकी है कि जहरीली शराब के चलते तमाम जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में मंगलवार को एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने सोमवार की रात रानीगंज कस्बा स्थित देशी शराब की दुकान से शराब पी दी थी और वहीं हालात बिगड़ने पर इन्हें CHC पर ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसमें से 4 की जिला अस्पताल में ही मौत हो गई। घटना में आबकारी विभाग की लापरवाही सामने आई है। मरने वालों में से एक ही परिवार के 3 सगे भाई बताए जा रहे हैं और पिता सहित 4 लोग इसमें शामिल हैं। परिजनों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने रानीगंज शराब की दुकान को सीज कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने विक्रेता की धरपकड़ के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। तो शराब की अगर बात की जाए तो जहरीली शराब का कहर इससे पहले भी देखने को मिला था और एक बार फिर जहरीली शराब का कहर, जहां इस जहरीली शराब के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 10 लोगों की भी मौत बताई जा रही है। जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। लगातार इसमें ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। DM और SP को जांच के निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं। तो इस जहरीली शराब के चलते एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। फिलहाल जो परिजन हैं उस परिवार के, उनके कहने के बाद उस दुकान को सीज कर दिया गया है, उस जहरीली शराब की दुकान को सीज कर दिया गया है और वहीं फिलहाल लगातार पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ सकता है। DM और SP को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शराब विक्रेताओं को पकड़ने के लिए छापेमारी भी लगातार जारी है। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो कई बार अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरह की घटना सामने आ चुकी है कि जहरीली शराब पीने के बाद तमाम जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है और एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्य करीब बताए जा रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है। तो बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से एक ही परिवार के 4 लोग समेत 10 लोगों की मौत बताई जा रही है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, जहरीली शराब पीने के चलते एक ही परिवार के 4 सदस्य बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है और उनके साथ साथ 10 लोगों की और मौत बताई जा रही है। जहरीली शराब का कहर इससे पहले भी देखा जाता रहा है और एक बार फिर इसका कहर देखा गया। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है तब से अवैध और जहरीली शराब को रोकने के लिए कई सारे उपाय किए गए, लेकिन वो फेल होते नजर आ रहे हैं। बाराबंकी की जो आज घटना है कि परिवार के 4 सदस्यों से अब तक 12 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी 6 मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन अब तक जो जानकारी आ रही है 12 लोगों की मौत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही है और जिला प्रशासन के अलावा शासक के उन अधिकारियों की लापरवाही की, बार बार ऐसी घटना घटित होती है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि छोटे अधिकारियों के जो जिले में होते हैं, जिला आबकारी अधिकारी या संबंधित जो आबकारी के सिपाही होते हैं या CO या इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके मामला रफा दफा कर लिया जाता है, लेकिन उन परिवारों को क्या इन कार्रवाई से उसकी भरपाई हो पाती है जिन परिवार एक ही परिवार के 4 सदस्य खो दिए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और बार बार ऐसी घटनाएं घटती है, चाहे बाराबंकी में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार घटनाएं घटी है। हरदोई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारे घटनाएं घटी है जहाँ पे दर्जनों लोगों की मौत हुई है। कानपुर, उन्नाव में भी इस साल घटना घटी है। तो कुल मिलाकर के योगी सरकार अपना जो राजस्व है आबकारी से वो कमाने में जुटी है, लेकिन लोगों की जो मौत हो रही है उसके लिए कोई कारगर उपाय नहीं कर रही है।
बड़े जो महात्मा बड़े अधिकारी हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इससे कैसे रोक लगाएगी? सीओ को हालांकि सस्पेंड कर दिया है डीजीपी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और मुख्य सचिव से दोनों बात की घटना को लेकर के, और तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और सीओ और इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इतने जिलों में अवैध रूप से शराब बनाई जाती है देसी शराब, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आज बाराबंकी की घटना फिर से घटित हुई, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, और दोषी अधिकारियों के कार्रवाई स्त्री करके सीओ इंस्पेक्टर तक होगी कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव आबकारी या आयुक्त है उनसे भी इस मामले को लेकर के कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से घटना घटित हो रही है, वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार को इसको कड़ा रुख अपनाना चाहिए और संबंधित जो विभाग के हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और अब तक 12 लोगों की पुष्टि हुई है, कई सारे लोग अस्पतालों में एडमिट है, संख्या और बढ़ सकती है। जी पंकज, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक बहुत बड़ी लापरवाही भी इसमें नजर आ रही है, लेकिन सवाल इन सबके बीच यही उठता है, आखिर इस लापरवाही की भरपाई आखिर कौन करेगा? क्यों नहीं इस पर शिकंजा कसा जा रहा? मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली घटना ये बाराबंकी की नहीं है, इससे पहले भी बाराबंकी में जो जहरीली शराब पीने से कई सारे लोगों की मौत हो गई, हरदोई में हुई, कानपुर में हुई, उन्नाव में हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी सरकार में हुई। हालांकि ये सरकार बार बार कह रही है कि जहरीली शराब नहीं बिकेंगे, जहरीली शराब बिकने पे रोक लगातार लगा रही है, बात कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व कमाने के चक्कर से इस पे ध्यान नहीं दे पा रही। सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा जो राजस्व कमाया है वो आबकारी विभाग से कमाया है, और उन विभागों को एक टारगेट दिया जाता है कि इतना राजस्व कमाएंगे, उसी के चक्कर में ये लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते जिससे इनकी मौत होती है। और सरकार इसकी जिम्मेदार है, सरकार जो इसके ऐसे कदम उठाने चाहिए कि दोबारा घटना न घटित हो, लेकिन सरकार बार बार इस घटना सामने के आने के बावजूद उस तरीके से संज्ञान नहीं लेती कि दोबारा ऐसी नौबत न आए। एक ही परिवार के 4-5 लोगों की मौत हो जा रही, उस परिवार की भरपाई कैसे होगी? उस परिवार से आज क्या बीत रही होगी जिन परिवारों में एक ही समय 4 लोगों की मौत हो गई है? तो ऐसे में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, सरकार को सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ बार बार जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन उनकी भी बातें नजरअंदाज होती नजर आ रही है, और सिर्फ इसका सबसे बड़ा कारण जो दिख रहा है वो राजस्व के चक्कर में बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अधिकारियों को टारगेट दिया जा रहा है कि हर जिलों से राजस्व आना चाहिए, तो कुल मिलाकर के अब देखना ये होगा संबंधित विभाग के किस अधिकारी पे कार्रवाई की जा सकती, क्या शासन लेवल पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर जिले में डिस्ट्रिक्ट आबकारी अधिकारी वगैरह है उनके ऊपर कार्रवाई करके इस तरीके की जा सकती, क्योंकि ऐसे ही कई सारे मामले हुए हैं और यहीं तक कार्रवाई सीमित होती नजर आ रही है। सरकार जरूर बार बार दुहाई देती है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बख्शा क्या, बार बार सामने घटना आ रही तो जाहिर सी साफ दिख रहा है कि ऐसे लोगों पे उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकती है जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जी पंकज, जिस दुकान से ये जहरीली शराब खरीदी गई थी उस दुकान के खिलाफ फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जो एक्शन लिया जाता है हर स्थिति जब घटनाएं होती वही तो यहाँ भी होगी, दुकानें चीज होगी, उनके FIR होगा, जेल भेजा जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा स्थिति वही हो जाएगी। सरकार उस तरीके से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाती है कि उनका, क्योंकि जहरीली शराब वही नहीं, आसपास गांव में भट्टियों से भी शराब अवैध बनाई जाती है, जो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के संलिप्तता भी सामने कई जगह आती है, बगैर उनके नहीं होता। तो इनके साथ साथ जो अवैध रूप से शराबें बनाई जाती हैं उन पे सरकार को अंकुश लगाना होगा। हालांकि इनके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन देखा जाता है तो सरकार या संबंधित जो वहाँ के जिला प्रशासन है वो क्या कार्रवाई करते हैं, ये थोड़ी देर बाद कोई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो अब तक 12 लोगों की बताई जा रही है। बिल्कुल पंकज जी, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो सवाल ये भी उठता है, आखिर किसके दम पर ये जो ये दुकानें हैं, इस तरह की दुकानें जहाँ जहरीली शराब बेची जाती है, ये दुकान चल रही है? क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो पहले भी छापेमारी की गई थी और जितनी भी चीजों से जहरीली शराब बनाई जाती है उन चीजों को नष्ट किया गया था, अचानक से प्रशासन जो है एक्शन मोड में आई थी, लेकिन फिर मामला शांत का शांत पड़ गया। देखिए, जब कहीं भी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं तो सरकार निर्देश देती है कि सघन तलाशी अभियान लिया जाए, और वो एक दिखावा बन के रह जाता है, कई जगह जाकर के जो अवैध भट्टियां होती है उनको पलटते हैं, जो उनके जिसमें उसको बनाते हैं उसको तोड़ फोड़ करते हैं और फिर मीडिया में दिखाते कि इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन 1-2 महीने के बाद स्थिति वही होती है। और ये भी बातें सच है कि संबंधित क्षेत्र के जो थाना सर्किल या विभाग के जो अधिकारी
वो उनकी संलिप्तता बार बार सामने आती, बगैर उनकी संलिप्तता या विभाग की संलिप्तता के बगैर अवैध भट्टियों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि उनको जानकारी होती है। लेकिन जब सरकार की तरफ थोड़ा सख्त निर्देश दिया जाता है तो उन भट्टियों को हटा दिया जाए, दिखाया जाता है, कार्रवाई की गई, बाद में स्थिति फिर वही हो जाती है। सरकार बार बार जरूर ये बातें करती है कि अवैध निर्माण शराब का निर्माण नहीं होगा, लेकिन बार बार उसी अवैध शराब निर्माण की वजह से जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है, और सरकार या फिर संबंधित जिले के लोग अधिकारी हैं जिम्मेदार, वो उस तरीके से कार्रवाई नहीं करते हैं कि जो अवैध या जहरीली शराब का जो उत्पादन किया जा रहा है वो सदा के लिए नष्ट किया जाए, क्योंकि एक दो महीने के बाद वही होती है और फिर घटना सामने घट करके सामने आती है, जिसमें कई सारे परिवार लगातार सामने आते रहती है, कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जाती है। पंकज आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जहरीली शराब के चलते करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये कोई पहली बार नहीं है जब जहरीली शराब ने कई लोगों को अपने निशाना बनाया हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी जहरीली शराब ने कई लोगों को मौत की आगोश में पहुंचा दिया था। कुछ वक्त पहले ही सहारनपुर, रुड़की और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से करीब 98 लोगों की मौत हो गई थी। सहारनपुर के 74, रुड़की में 26 और कुशीनगर में 8 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने मामले में 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आबकारी विभाग के कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया था। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और कई बार जो तमाम अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रही हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, जिस तरीके से अभी अभी हम हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कहाँ कहाँ पर कितनी की संख्या में मौतें हुई हैं जहरीली शराब के चलते, तो जिस तरीके से देखा गया लगातार इस तरह की घटना सामने आती रही है, कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है, कई आबकारी विभागों पर छापेमारी की गई है, तमाम चीजें किए गए, लेकिन बावजूद इसके इस पर लगाम अब तक नहीं कसा गया। और पंकज से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बाराबंकी में मौत की शराब, जहां जहरीली शराब पीने के चलते 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं फिलहाल आपको बता दें कि सीओ और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में लगातार इसमें जांच हो रही है, शराब विक्रेताओं को पकड़ने के लिए छापेमारी भी लगातार जारी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ये पूरी घटना सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब के चलते 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। इससे पहले भी कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यूपी में जहरीली शराब ने एक बार फिर कहर मचाया है। आपको बता दें कि बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अस्पताल में अब भी भर्ती बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने देशी शराब के ठेके से शराब लेकर पी थी, लेकिन ठेके वाले ने उन्हें मिलावटी शराब दे दी। फिलहाल लगातार इस मामले में जांच हो रही है। शराब पीने के बाद अचानक इन लोगों को दिखना बंद हो गया और इनमें से 12 की मंगलवार सुबह तक जान ही चली गई थी। इस दर्दनाक घटना से कई घरों में लाशों को कंधा देने वाला भी कोई नहीं बचा है, लेकिन हालांकि प्रशासन ने अब तक 8 लोगों की मौत होने की पुष्टि कर दी है, और बताया जा रहा है कि 12 लोगों की मौत हो गई है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से अभी हम हमारे दर्शकों को बता रहे थे कहाँ कहाँ किस तरह की घटना हुई जहरीली शराब के चलते, कितनों की संख्या में मौत हुई है, लगातार देखा गया है कि कड़े से कड़े एक्शन लेने के बावजूद इस तरीके का मामला एक बार फिर आ गया। और पंकज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अब तक जहरीली शराब के चलते उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं शराब विक्रेताओं को पकड़ने के लिए छापेमारी भी लगातार इस वक्त जारी है। तो आपको बता दें कि धीरे धीरे मरने वालों का संख्या भी बढ़ सकता है, एक के बाद एक आपको हम आंकड़े भी दिखाएंगे। पहली सहारनपुर जिले में जहरीली शराब ने 74 लोगों की जान ली, और वहीं अगर बात की जाए रुड़की की तो रुड़की में करीब 26 लोगों की जान गई थी। ये कोई पहली बार नहीं जब जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ली हो और अपने आप को
अपना निशाना बनाया हो। लगातार एक के बाद एक आपको हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं, 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। पहले भी जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ली है। कुछ वक्त पहले ही सहारनपुर, रुड़की और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से 98 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आपको एक के बाद एक हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं। सहारनपुर के 74, रुड़की में 26 और कुशीनगर में 8 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने मामले में 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आबकारी विभाग के कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया था।